एडमिनों के साइड से करा जा सकता है थ्रो, वो काफी ज्यादा क्लोज हो सकता है, साइनाइड को डाउन किया जा सकता है, उस ग्रेनेड से डाउन किया भी जाएगा, और पीछे से जो प्लेयर कवर फायर अभी दे रहा था उनको डाउन कर दिया जा चुका है। राइट नाउ दांते एक प्लेयर को डाउन करेंगे, दांते नहीं, वो डाउन दूसरे को नहीं कर पाएंगे, और देखते ही देखते टीम जो है वो कंप्लीटली बैकफुट पे जा चुके हैं। मीनवाइल नोलफ यहां से डिसएंगेज करना चाहिए उनको फाइट, और प्लेयर ऑलरेडी आ चुके हैं, और अब यहां पर वो फाइट देखने को मिलेगी, बट नो, नोलफ यहां से डिसएंगेज नहीं कर पाए, और ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा खराब साबित होती हुई। टीम गॉडलाइक के पहले प्लेयर यहां पर नॉकआउट हुए हैं, उनकी तरफ एक और प्लेयर वो भी जैसे आएंगे उनके ऊपर एक मोलोटॉव यहाँ पर थ्रो करा जाएगा, और सामने से अब वो प्लेयर वापस से स्पॉट करे जाते हैं सिम्प की साइड से। सिम्प अगेन गोइंग फॉर सम नॉकआउट्स, बट नहीं यहाँ पर वो फिलहाल के लिए एडमिन यहाँ पर जल्दी से जल्दी सिम्प का साथ देने के लिए वो आना होगा, बट ये जंप शॉट एक काफी ज्यादा बेहतरीन था, और अब यहाँ पर एडमिनो और पंक दोनों ही प्लेयर्स आगे की तरफ क्लोजिंग करना स्टार्ट करेंगे। सामने जस्ट वो एक प्लेयर थे, वो यहाँ पर होल्ड करवा सकते हैं उस प्लेयर को काफी हद, वो ग्रेनेड कुछ यहाँ पर जाएंगे जो कि एक अच्छा खासा डैमेज दिया गया था, चैलेंज यहाँ पर मिला है, और फिलहाल के लिए अभी तक तो टीम गॉडलाइक ने उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर संभाला है, और फाइनली एडमिनो कम्स इन एज अ सेवियर के प्लेयर्स को डैमेज दिया जा रहा है, बट यहाँ पर ऑलरेडी ओपन में स्पॉट कर चुके हैं। इस बार सिम्प एक प्लेयर को सिम्प की तरफ से एक शानदार स्प्रे, पहले को डाउन करेंगे, दूसरे को कंफर्म करेंगे, चटोहा फिनिश टीम गॉडलाइक के पास में। एडमिनो विल बी ऑल्सो ट्राइंग टू टेक सम अदर गाइज डाउन, बट यहाँ पर वापस से सर्वाइविंग, एंड राइट नाउ सिम्प को एक अलग पोजीशंस पर है संस्कारी एडमिनों की तरफ से, वो काफी सारे स्प्रेज किए जाएंगे, और अब देखते देखते यहाँ से प्लेयर जो है वो पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर चुके हैं, आगे तक आ चुके हैं संस्कारी, उनके पास में भी वो दो फिनिशेस ऑलरेडी अभी तक यहाँ पर देखने। ओके एडमिनो का वो गाड़ी के अंदर हीट चेंज वो काफी ज्यादा अमेजिंग था, और अब देखते देखते काफी सारे प्लेयर ओके स्लेकेड के ऊपर भी एक अच्छा खासा डैमेज यहाँ पर दे चुके हैं, सात फिनिशेस ऑलरेडी साइड। ओके दिस टाइम पंक जो है वो अपनी MG3 का कमाल दिखाएंगे, वो जवाब दिया गया उनके क्रिटिक्स के अगेंस्ट, और दो फिनिशेस यहां पर एडमिनो के पास में और एड ऑन होंगे, नौ फिनिशेस डायरेक्टली अगर चाहे टीम गॉडलाइक तो वो उस कंपाउंड की तरफ स्लैम इन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर फोर मेडिकल्स के डार्क लॉर्ड वो कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर पंक के ऊपर कुछ स्प्रेस करने का, बट नो, एक क्लियर सिम ऑलरेडी कवर फायर प्रोवाइड कर रहे थे, और अब टीम गॉडलाइक की तरफ से स्लैम इन आ सकता था, बट दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया, बट आई गेस स्लैम इन तो आ चुका है पंक, और फाइनली वो एक स्लैम इन आ चुके हैं, बैक टू बैक स्लैम इन देखने को मिलेंगे, एक चलते व्हीकल के ऊपर सिम के स्प्रेस, सिम के स्प्रेस थोड़े से मिस आउट हुए, और अब फाइनली यहाँ पर एक प्लेयर को नॉकआउट किया गया था, और देखते ही देखते 10 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास में, बट सिम को मिला है वो एक फिनिश किया गया, बट अगेन एक और बार वो ग्रेनेड किया जाएगा वापस से डार्क लॉर्ड के ऊपर, काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके थे सिम को, वो यहाँ पर नीचे से ही उस प्लेयर को यहाँ पर डाउन करना होगा, बट मोलोटॉव वो कंटिन्यूअसली थ्रो कर रहे हैं, इस बार डार्क लॉर्ड को मोलोटॉव कनेक्ट भी, और फाइनली एक और मोलोटॉव सिम की तरफ से वो शानदार कनेक्ट होगा, डार्क लॉर्ड गेट चेक डाउन, हर्ष विल बी द लास्ट प्लेयर, टीम गॉडलाइक हेडिंग टुवर्ड्स देयर फर्स्ट विनर विद अ चिकन डिनर ऑफ 4 to 6 PM स्क्रिम्स, आज के दिन का वो सेकंड चिकन डिनर टीम गॉडलाइक के पास में आ सकता है। द ग्रेनेड्स विल बी कमिंग अप फ्रॉम द प्लेयर, मेरे को वाला क्लियर है, मेरे को वाला क्लियर है, बाहर की साइड जा रहा है मैं, बालकनी पे पुश कर रहे, पुश कर रहे इसको, लॉक, मैंने नेड किया तुम्हारे पास, आराम से घुसना मत, नीचे है, नीचे है, एक बार लॉक, एक बाहर है, आगे आगे on the last try to ये चिकन डिनर जाएगा टीम गॉडलाइक के पास में, सिंप एंड द 1v3 क्लच विद इन द एंड, और यहां पर 15 फिनिशेस का चिकन डिनर सिंप सोलो, 8 फिनिशेस, पहला फिनिश ऑलरेडी आ चुका है, और अब कोशिश है इस मैच से कुछ और भी फिनिशेस बनाने की, दो टीम्स इनके सामने जैसे यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और सैफ के पास में पहला फिनिश आ चुका, वो एक और नॉकआउट आई गेस ऑटोमेट, फिर भी वो खुद के ग्रेनेड से डाउन हो चुके हैं, ये काफी बड़ा ब्लंडर, और दो फिनिशेस टीम गॉडलाइक के खाते में काफी ज्यादा आसानी से इस बार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एवल रोलेक पीछे से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे थे, बट आशुतोष फ्रॉम देयर अनदर एंगल वो एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, नाउ ओडन विल बी द लास्ट प्लेयर टू सर्वाइव, सामने से वो एक प्लेयर आते हुए, और फिलहाल वो कोशिश काफी सारी, और इन दी एंड एडमिनो विल बी द वन जो कि यहाँ पर चौथा फिनिश उनकी टीम को दिलाएंगे, और इसी के साथ साथ टीम गॉडलाइक के लिए क्लच गॉड डाउन हो चुके हैं बैकलाइंस में, और अब एक ग्रेनेड जो है वो वापस से SNODK के उनके साइड से यहाँ पर वो कुक किया जा रहा है, बाकी के प्लेयर्स का कवर फायर भी आ चुका है टीम नंबर 16 के, और अब यहाँ से एडमिनो का क्लोज, एडमिनो का एक अलग एंगल, वो ऑफ एंगल काफी अच्छी तरीके से फेवर करता हुआ एक और नॉकआउट यहाँ पर निकाल दिया जा चुका है, और अब हावी हो सकते हैं पंक और उनके टीममेट सिम्प, यहाँ पर उनके ऊपर सिम्प को एक अलग एंगल से जाना था, बट पंक ओके एक्चुअली इट इज एडमिनो जिनका कि नॉकआउट होना वो थोड़ा सा खराब साबित हो सकता है, नोलव वो एक अलग एंगल पर ऑलरेडी, जस्ट गिल वो काफी ज्यादा लो ऑन एचपी पे रहेंगे, जस्ट गिल को रिवाइवल्स की जरूरत है, पास में कोई ग्रेनेड नहीं है, ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर खराब साबित हो सकती थी, बट नो स्टेप की पोजिशनिंग वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस फाइट को चेंज करेगी, और देखते ही देखते अब लास्ट प्लेयर
ली सिर्फ हम वो यहाँ पर रह जाएंगे, और अब टीम गॉड लाइक वो काफी ज्यादा अलग रूप में यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो ऑलरेडी 6 फिनिशेज आ चुके हैं, 7वां उनके सामने है, और पंख को जल्दी से जल्दी जाकर रिवाइवल देने होंगे एडमिनों को, जो कि वो जा भी चुके हैं। एक अच्छा स्मार्ट मूव, बट फाइनली टीसी नो लव इट दिस टाइम, और चारों प्लेयर 2-2 फिनिशेज के साथ एक अच्छी यहाँ पर फाइट निकाली गई उनकी टीम के पास में आ चुका है। टीम गॉड लाइक वो 9 फिनिशेज अभी तक अपने पास में बना चुके हैं, बट यहाँ से एक और बार यहाँ पर क्लोजिंग किया जाएगा पंक की तरफ से, वो ग्रेनेड फेनिक्स को डाउन करते हुए, और अब यहाँ पर टीम मोगो की वो बारी रहेगी, जो कि 3 प्लेयर्स के साथ अभी भी सर्वाइव कर रहे थे, बट ओके एक प्लेयर और डाउन हो चुके हैं। आर2 बीइंग द लास्ट प्लेयर फ्रॉम हिज टीम अग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, और सामने से वो प्लेयर आएंगे, एक और को डाउन किया जाएगा टीम मोगो। दिल ऑल्सो गोना बी देयर, 3 फिनिशेज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, और अब देखते हैं वो यहाँ पर वो चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल होने वाली है। प्लेयर्स एक और बार काफ़ी ज़्यादा क्लोज से, और अब इसी को अगेन वो कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइट्स और भी देखने को मिलेंगे। 3 फिनिशेज आ चुके हैं, एंड फाइनली दैट लास्ट प्लेयर ऑल्सो गेट सेकंड डाउन, और इसी के चलते यहाँ पर एक और टीम का कंफर्मेशन इस मैच से यहाँ पर हो चुका है, और फिनिशेज ऑलरेडी हो चुके हैं, और अब एक डायरेक्ट स्लैमिंग यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके थे। नो लव यहाँ पर रहने वाले पंक, मीनवाइल उनका नॉकआउट होना यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ओपन से चले गए पंक इस बार, जिसकी वजह से उनको नॉकआउट किया जाता है, बट राइट नाउ आशुतोष वो एक कवर्स कराउंड, बट यहाँ पर सिंप का भी नॉकआउट होना वो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे उनकी टीम को डालेगा, और देखते देखते नो लव भी डाउन हो चुका है। नाउ आडमिनो विल बी द लास्ट प्लेयर टू सर्वाइव फ्रॉम इस टीम, सामने से वो क्लोज इन किसी भी वक्त आ सकता है, बट एक प्लेयर को रिवाइवल्स वहाँ पर दिए जा रहे थे, और फिलहाल वो एक मोलोटॉफ जो है तमिलाज वो यहाँ पर इस मैच से काफी अच्छे तरीके से फिनिश सिक्योर करते हुए। ओके एडमिनो विद दैट अनदर नॉक, एडमिनो कैन टेक अनदर डाउन, एडमिनो विल टेक अनदर डाउन, एंड नाउ द लास्ट प्लेयर इज गोना बी सुपरमैन। सुपरमैन आप यहाँ पर नहीं उड़ के जा सकते हैं, फाइनली वो एक रिवाइवल जरूर दिया जाएगा टीम गॉडलाइक के पंख एडमिनो की तरफ से इनफेक्ट, बट वो फिनिशेस उनके स्टील हो गए। आई डोंट नो, वो मे बी इट वॉज टीम ओमेगा जिन्होंने उनके फिनिशेस वो स्टील करे, 9 फिनिशेस टीम ओमेगा के पास में आ जाएंगे, और आई गेस स्टील होना वो डेफिनेटली वो पसंद तो नहीं आया होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने फाइट्स भी ली थी, बट एडमिनो के पास में वो ऑलरेडी कुछ 11 फिनिशेज रहेंगे उनकी टीम के पास में, और अब यहाँ से निकलने की कोशिश इस बार यहाँ पर हो सकती है। देखना होगा वो चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर वो पॉसिबल इस बार यहाँ पर हो सकेगा, बट फिलहाल सर्कल के अंदर को की तरफ उनको जाना है, और यहाँ से वो क्रेट्स से वो हीलिंग्स उठा रहे थे सुपरमैन, वो एक के ऊपर भी शॉट्स दिए जाएंगे, बट इंस्टेंटली यहाँ पर एक नॉकआउट वैक्सी की तरफ से निकाला जाएगा, बट रिटेलिएशन में उनको भी डाउन किया जाता है, एंड अब ट्रेस गॉड वो क्लोजिंग करना स्टार्ट करेंगे। ट्रेस गॉड टेक्स डाउन द अनदर गाय, बट यहाँ पर ट्रेस गॉड नीड्स टू हील हिमसेल्फ, वो बैंडेजेस अपनी अप्लाई करनी होगी, बट नो ही गेट्स टेकन डाउन, स्काउट यहाँ पर रहेंगे, और अगेन यहाँ से वो फाइट निकालनी होगी इस टीम को। 3 फिनिशेज अभी तक आए हैं, सैफ यहाँ पर रहने वाले सिंस ही ऑलरेडी पूरी तरीके से फिनिश ऑफ हो चुके हैं, और पीछे से आएगी टीम गॉड लाइक, जो कि यहाँ पर 4 फिनिशेज अपने नाम पर कर चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा थर्ड पार्टी देखने को मिलेगा, और अब इसी के चलते अगेन बाकी सभी प्लेयर्स के ऊपर भी चार्जिंग किया जाएगा। आरएनटी सैफ सामने है, और स्काउट ऑलरेडी आई गेस यहाँ से निकल चुके, थोड़ा सा वो कवर्स के अराउंड, बट टीम गॉडलाइक की एंट्री हुई है, वो एक और प्लेयर सैफ को स्पॉट करा जाएगा, सैफ फाइनली गेट्स टेकन डाउन, और इसी के चलते सैम और पंक के पास में, इनफैक्ट एडमिन और पंक के पास में वो 5 फिनिशेस दोनों ही प्लेयर्स ने निकाल लिए, एंड नाउ दे नीड्स टू हील अप। फिलहाल के लिए वो प्ले जोन की तरफ जा, वो थोड़ा सा यहाँ पर कवर्स में रहने वाले हैं, और अब देखना होगा वो किस तरीके से इस बार फाइट्स अभी अपने पास में बना सकेंगे, और लेट्स सी कहाँ जाना चाहते हैं वो। फिलहाल डायरेक्टली उन्होंने जंप लगाने की कोशिश तो की, बट जंप वो लगाई नहीं गई, और सिर्फ को नॉकआउट कर दिया जा चुका है। बट इसी बीच यहाँ पर ओके दोनों प्लेयर्स आगे की तरफ चले गए, फाइनली पंक मैनेज टू फाइंड दोज कनेक्शंस, और अब वो कोशिश लगातार की जाएगी कुछ और भी प्लेयर्स के ऊपर नॉकआउट निकालने की। सिंप ऑलरेडी नॉकड आउट है, और अब पंख की तरफ से वो ग्रेनेड जा सकते हैं, स्मोक करना यहाँ पर ज़्यादा जरूरी, और साथ ही साथ ये ग्रेनेड्स के चलते वो नॉकआउट भी काफ़ी अच्छी तरीके से इजी प्लेयर 8 को कर सकते हैं। वो ग्रेनेड काफ़ी ज़्यादा वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो देखते हैं वो ग्रेनेड कितने ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। बाकी सभी प्लेयर्स टीम ओमेगा के काफ़ी ज़्यादा ओपन में रहेंगे, सिंप की तरफ से वो एक ग्रेनेड जा रहा है, सिंप का ग्रेनेड कनेक्शन नहीं बनाया, बट एक साइड से यहाँ पर टीम ओमेगा वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में लास्ट 2 प्लेयर्स के साथ बचे। एक तरफ से टीम गॉडलाइक वो भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली ग्रेनेड करने वाले, और फाइनली यहां पर गॉडल पंक का वो ग्रेनेड कनेक्ट होगा, बट जैप वहां पर पहुंचे हैं, जैप को भी डाउन कर दिया जाएगा, और टीम गॉड लाइक उनको काफी अच्छी तरीके से वो फिनिशेस मिले हैं। सिंप ओके हालांकि यहां पर इस बार नॉकआउट हो जाएंगे, बट फाइनली पंक ने एक और प्लेयर को डाउन करा, 8 फिनिशेस आएंगे, बट नो